हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग वाला है। आज हम अपने गांव के 1 किलोमीटर दूर यहां पर देखिए एक नहर है, बहुत बड़ा नहर यहीं पर है। देखिए वो सामने से धूप लग रहा है गाइस ना, ये देखिए इसी नहर पर हम लोग अभी हैं। यहां पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश का सबसे मशहूर झील का ब्लॉग दिखाएंगे, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश में विटकानगर जिले में सबसे मशहूर झील है दरवन झील, उसी का आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो भाई गाइस बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं जो आपके लिए फायदेमंद होगा, तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बीच में ही बात बताएंगे, अभी हम स्टार्ट में नहीं बताएंगे, अभी वीडियो ब्लॉग बनाएंगे। तो अभी हम चल रहे हैं ब्लॉग की तरफ गाइस झील पर, तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो वेलकम बैक एवरीवन, अभी हम आ चुके हैं उस झील पर। जैसे कि मैंने बताया था कि अभी मैं दरवन झील जो है उत्तर प्रदेश सबसे फेमस झील के बारे में, तो अभी मैं उस झील पर आ चुका हूँ। यहाँ के नज़ारे तो भाई काफ़ी अच्छे यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़ारे यार, मतलब जो फिल्म वगैरह में दिखाते नहीं है कि जो ये यार झाल झुकड़ वाला, ये सरपत वगैरह वाला, ये जो पेड़ वगैरह होते हैं इसे लाइन से लगे रहते हैं यार, एक नंबर लगते हैं भाई, वो भी यहाँ पर है यार। यहाँ की फीलिंग तो काफ़ी दमदार है यार भाई। तो अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ भाई, और भाई यार इतने फिटिंग से वीडियो देख रहे लग रहा है यार काफ़ी अच्छा मन है आपका यार, आप ये हैप्पी लग रहे हो यार। तो आई होप, मैं आशा भी करता हूँ कि आप हमेशा हैप्पी रहे यार भाई। तो अभी मैं उस पर आ चुका हूँ, थोड़ा सा मैं पीछे से भी आपका नज़ारा दिखा देता हूँ, क्या का नज़ारा कितना बढ़िया है। यहाँ के जो ये पेड़ है, जो लाइन से मैंने बताया कि भी लाइन वाला पेड़ भी दिखा दे रहा हूँ, तो देखिए पीछे वाले कैमरे से। तो गाइस देखिए यार कितने लाइन से पेड़ यार, बबूल के पेड़ हैं यार गाइस, देखिए थे कितने लाइन से पेड़ यार भाई, देखिए यार गाइस कितने फंटेस्टिक लग रहे हैं यार गाइस। मतलब यार यहाँ का मौसम ही कितना सुहाना यार, गांव का मतलब यार रंगीन नजारा यार भाई देखिए ऊपर से यार भाई। तो गाइस कितना मतलब फंटेस्टिक नजारा था ना, अभी यार हमारे पास ड्रोन कैमरा नहीं है, अगर ड्रोन कैमरा था ना भाई, जब ऊपर जाता हुआ आना ना, जो नीचे का पूरा नजारा दिखता भाई, ये एक नंबर लगता यार फिल्मी से, अगर फिल्म से मतलब अच्छा नहीं लगता तो बताना यार भाई, लेकिन अभी तो ड्रोन कैमरा है नहीं यार। तो अभी हम चलते हैं वहाँ पर जो, तो एवरीवन हम आ चुके हैं उस बात पर जहाँ पर हम झील का बहुत वीडियो बनाने वाले हैं, और झील यहीं पर है। देखो झील आपको पीछे दिख रहा होगा, काफ़ी फंटेस्टिक झील है। देखो ये कहा जाता है भाई ना कि ये झील 300 बीघे में है झील, ये और ये झील 30 साल पुराना झील है गाइस, तो समझ लिया अभी 2023 चल रहा है, तो इसके पहले मतलब जोड़ लीजिए कि मतलब 2000 में झील बनाना होगा, और 300 बीघे मतलब समझ लिया बहुत बड़ा झील भाई, बहुत बड़ा झील है ये भाई हमारे। ये देखो भाई हैं हमारे, और अभी यहाँ पर एक मतलब पौधा भी है, ये जो आपको दिख रहा है पीछे, ये पौधा काफ़ी फंटेस्टिक पौधा है। इस पौधे को बोलते हैं पपुई, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको कमेंट में बताइए, क्योंकि यहाँ पौधे को पपुई बोलते हैं। ये देखिए ना क्या ने गाइस देख लीजिए कि ये पौधा लग रहा है अरे भाई यार मतलब कितना फंटेस्टिक लग रहा है यार भाई, गाइस देख लीजिए कितना अच्छा पौधा है। देखिए देख रो ये पौधे, देखो नजदीक से दिख रहा भाई, ये इसके मतलब पत्तियाँ देखो कितना सॉफ्ट है भाई, पत्तियाँ मतलब कितना सॉफ्ट पत्तियाँ है भाई ना, पकड़ो इसको, इसको पता है देखो अभी तोड़ेंगे इसको, पत्तियाँ कितना मतलब गिरेगा चिर यार यार पत्तियाँ नहीं टूट रही भाई मुझसे भाई, आराम से यार भाई। ये देखो देखो भाई पत्तियाँ इसकी, ये देखो पत्तियाँ इतनी सॉफ्ट पत्तियाँ हैं, ये देख गाइस जैसे तोड़े मोड़े कुछ गाइस, ये देखिए देखिए कैसे दगेगा भी गाइस, काफी अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है गाइस। ये देखिए आप लोग भी इसको चेक करिएगा अगर आपके गांव में होगा, ये देखिए क्या मतलब ऐसे लग रहा है बम विस्फोट हो रहा है, समझ लीजिए भाई। तो अगर आपके यहाँ भी ये पौधा होगा तो आप भी एंजॉय कीजिएगा उस पौधे के साथ, और मतलब ये भी बताएगा कमेंट में किस पौधे को क्या कहते हैं हमारे यहाँ। और यहाँ पर जब हम लोग आए ना भाई, तो यहाँ पर जो फीलिंग थी ना वो घर वाली फीलिंग आ रही थी, कि मतलब यहाँ अगर एक पास में घर होता भाई, तो सुबह का मॉर्निंग जो सूरज निकलता है ऐसे, और मतलब सूरज निकलता है ऐसे ये झिलझिलाती हुई पानी से, मतलब इसकी पानी, और ये मतलब मस्त एकदम मतलब इतना फंटेस्टिक व्यू आता, मतलब ये सुबह का जो मॉर्निंग होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता भाई। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये झील कैसा लग रहा है ये भी बताइए, क्योंकि झील हम लोग आए हैं, हम लोग तो एंजॉय भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, हम लोग दोनों मिलकर मतलब काफ़ी मज़ा कर रहे हैं भाई। अभी मैं आ रहा था तो ये
यहाँ पर एक सांप था, मरा हुआ सांप था भाई, लेकिन मतलब डर गया यार कि मतलब सांप है यार, मतलब एक बार इसे जैसे पहचाना सामने से अचानक वाली फीलिंग आई यार कि मतलब अभी काट ले गया, लेकिन मरा हुआ काफी डर लग रहा था, अभी मजा आ गया, लेकिन तो सांप मैंने सोचा था कि जिंदा है सांप, लेकिन साला मर गया था, मरा हुआ सांप था भाई। और यहाँ पर जो मतलब अभी मैं पीछे वाले भी कैमरे से इसका मतलब वीडियो डाल दूंगा, ये जो ये झील का जो वीडियो है, बाद काफी पतला बाद है यहाँ पर चलने के लिए, तो पेड़ भी है तो सही से नहीं चल रहा है भाई, चल मिल रहा है यहाँ पर। और अभी यहाँ पर काफी चीज है भाई, और इसमें मछलियाँ तो 30 साल मतलब 30 साल पुरानी भी मछलियाँ इसमें है इस झील में। इसका पानी कभी नहीं पूरी तरह से तो कभी नहीं सूखता, कुछ ना कुछ पानी तो रहता, और इसका लेवल ऊपर नीचे होता रहता है पानी का। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ नहर चालू हो गया है, तो पानी अभी यहाँ पर आएगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अभी, फिर नहर बंद हो जाएगा तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे लेवल ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ का। तो यहाँ पर भाई साहब देखो नाव भी चला रहे हैं, वो देखो ये वो देखो ये देखो ये देखो नाव चला रहे भाई साहब, यहाँ पर भी नाव चल रहा है और वहां पर भी नाव चल रहा है, तो वहां का पता नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, वो देखो उज्जर उज्जर दिख रहा है, ये देखो ये उज्जर उज्जर दिख रहा है, ये नाव चल रहा है। तो अभी नाव का भी वीडियो बनाएंगे और जो नाव में मतलब बनाकर डालेंगे, तो जब हम लोग आए थे घर से जो सोच के उससे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पर गाइस, इससे काफी मस्त है, जैसे वीडियो में दिखाया जाता है फिल्मों में उसी प्रकार यहाँ पर लग रहा है। और गाइस यहाँ पर नाव भी चल रहा है, अभी हम लोग नाव पे बैठेंगे और पूरा वीडियो डालेंगे। तो गाइस प्लीज पूरे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमको सपोर्ट करिए गाइस, और लाइक करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो हमारा कैसा लगा गाइस। तो अभी हम लोग अभी नाव पे बैठेंगे और गाइस यहाँ पर अभी एक काफी मस्त फूल दिखाने जा रहे हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहिए। तो गाइज हम लोग अभी फूल को तोड़ने जा रहे हैं, अब वीडियो बने रही, हम दिखाने जा रहे हैं फूल को तोड़ के। अभी ना अभी मैं जब आ रहा था ना भाई वहां से यार, तो ये बड़े बड़े यहाँ पर पानी में हल गया मैं, काफी ठंडा पानी है गाइज, अभी हम ये पैर इसका भीग गया भाई गाइज, ये देखिए अभी इसका अभी मैं अभी वहां पर हल गया था पानी में यार, मतलब ऐसे हल रहा था ना भाई, तो पानी में से मतलब जूता भीग गया भाई मेरा थोड़ा सा। ये देखिए गाइज काफी अच्छा है पौधा, पौधा तोड़ के लाया, पौधा पीछे दिख रहा है आपको जो फिल्मी वाले स्टाइल जो फिल्मी में दिखाया जाता है, जो फिल्मों में देख लीजिए काफी अच्छा लग रहा है उसी प्रकार से गाइस, ये देखिए मस्त पौधा है, इसके मतलब पत्तियां देखिए घर पे लेके जाएंगे और काफी अच्छा पत्तियां देखिए इसकी कितना आ रहा है, देखिए हाँ पत्ते इसकी कितने मस्त है भाई। और यहाँ पर एक फूल भी है, ये देखिए फूल, ये फूल तोड़िए, फूल ना भाई तोड़िए पहला, तो पानी वहाँ पर भी अभी फिर गए भी लग रहा है मुझे यहाँ से। देखिए एक फूल का भी तोड़ लाऊं, काफी अच्छा पौधा है देख लीजिए गाइस, मस्त लग रहा है एकदम अच्छा, काफी अच्छा लग रहा है गाइस। तो अभी हम लोग नाव पे बैठेंगे ये भाई, भाई, भाई। पूरा दिखाएंगे, तो गाइस नाव वाला वीडियो जरूर देखना, नाव वाला ब्लॉग बनेगा, नाव वाला सोचिए कितना फैंटास्टिक होगा भाई, कितना इंटरेस्टिंग नाव वाला होगा, तो वाला वीडियो देखिए। अच्छा ये बताइए ये पौधा प्रपोजल लग रहा है गाइस, आप ऐसे ले जाके किसी सामने बोलो मैं तुमको ये प्रपोज करता हूँ ना, तुझको मार के दो लपाटा भेज देगा कि भाई क्या दे रहा है यार, घास फूस लाके चाहे जो मतलब जो भी मन किया वो पिला दिया। तो गाइस ठीक है अभी हम लोग काफी एंजॉय कर लिए हैं और अभी नाय पर बैठेंगे और नाय का वीडियो अभी मैं वीडियो में, तो गाइस लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना गाइस, क्योंकि नाय वाला वीडियो काफी मजा आएगा गाइस, नाव यहाँ पर तो चल रहा है लेकिन अभी हम लोग नाव पे खुद बैठ के उसको चलाएंगे और काफी मजा आएगा, अभी लास्ट तक बने रहिए गाइस। अभी जब वहाँ से आ रहा था भाई यहाँ पर आने के लिए ना बहुत मेहनत करना पड़ा भाई, यहाँ पर ये बड़े बड़े यार झुट्टे थे यार सरपत थे, तो नाक कराना पड़े यार, काफी थकान महसूस हो रहा, पानी भी मतलब प्यास लग चुका है, यहाँ पर नल नहीं है तो भी पानी पीने का मन कर रहा है, तो भी चलते हैं वहाँ पर पानी नहीं पीकर। तो फिर से मतलब ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज भाइयों इसको चैनल को सपोर्ट करना गाइस, और हम लोग अभी नाव का वीडियो इसी वीडियो में डालेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, तो चलते हैं नाव की तरफ, तो चलते हैं नाव की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लोग देखो घर पर पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पर, और ये देखो बाघ, ये देखो नाव भी है यहाँ पर यार, नाव कितना फैंटास्टिक है यार, अभी नाव पर हम लोग चलेंगे यार, देखो यार नाव पर ये देखो बाघ, नाव हिल रही है यार, डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत, ये देखिए गाइस। और यहाँ पर एक सबसे फैंटास्टिक चीज गाइस यहाँ पर देखिए, ये बत्तख है यार, कितने मस्त लग रहे, देखो चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं कितना प्यारा प्यारा आवाज है, ये देखो गाइस पीछे वाले कैमरे से आपको दिखाते हैं गाइस, गाइस कितना प्यारे प्यारे बत्तख हैं, देखो गाइस देख रहे हो इनका यार, मतलब यार पानी अभी नहीं, पानी में तैरते हैं तो बहुत मस्त लगते हैं, देखिए गाइस ये भाई काट उठने लगे यार भाई, डर भी लग रहा है यार कि काटा नहीं यार, देख रहे हैं। तो ब्रो फाइनली हम पहुंच चुके नाव पर, देखिए नाव पर बैठे हैं ये भैया, देखिए नाव चला रहे हैं, ये देखिए ये नाव को यहाँ सीधे ले जा रहे हैं, मोड़ कर यहाँ से देखिए किनारे पर है नाव, देखिए कहाँ पर ले जा रहे हैं, इधर इधर से देख लीजिए भाई साहब, और
और नाव पर बैठे हैं तो नाव का पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं भाई। तो नाव का पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाव का वीडियो देखिए भी हम डाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए। तो फाइनली गाइस जो पहुंच चुके, देखो पानी के बीच यार नाव को लेकर, ये देखो पानी के बीच में आ चुके यार भैया हमारे यहाँ पर है। ये देखो भाई गाय कितना मतलब साफ दिख रहा है। हाँ क्या कहें इसे, तो गाइस देखो फाइनली कितना अच्छा लग रहा है गाइस। ये देखो हम लोग नाव के बीच में पानी में थोड़ा सा ढके लेना भाई यार, देखो अभी चला रहे हैं भाई हमारे। ये देखो कितना मतलब फंटेस्ट यार, कितना आनंद आ रहा है। पहली बार जिंदगी में हम लोग नाव पर बैठे हैं भाई, फर्स्ट मतलब लाइफ में फर्स्ट बार इस पर नाव पर बैठे हैं। देखो गाइस चल रहा है नाव, वाह यार कितना आनंद आ रहा है गाइस। देख रहे गाइस कितना मस्त लग रहा है यार, गाइस कितना फंटेस्टिक लग रहा है। हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं नाव पर। अरे बस तो फाइनली गाइस हम लोग किनारे पहुंच चुके हैं। ये देखिए नाव हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखिए हम मछलियाँ भी पकड़े हैं और अभी हम यहाँ पर किनारे पे आ जाए। देखो हमारी नाव खड़ी होगी जिस पर हम बैठे थे और काफ़ी मज़ा आया इस वीडियो में भाई, और नाव पर बैठकर काफ़ी मज़ा आया, इंटरेस्टिंग है। मैंने बताया था कि नाव का वीडियो बनाऊंगा, तो भैया अंकल लोग मतलब नाव चलाने गए, तो उन लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर भी और बत्तख भी हैं, तो बत्तख भी देखिए, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, लोगों को सब्सक्राइब करें। और मैंने एक चीज़ बताया था आपसे कि भाई सपोर्ट वो जो क्या कहते हैं ग्रो करने वाला था यूट्यूब चैनल, ग्रो करने वाला नियम था, तो मैंने बताया था जो टेक्निकल निंजा मतलब निंजा टेक्निकल टेक्निक, तो उसके बारे में बताता हूँ। जिससे मेरा ये है कि मतलब मेरा ये मानना है कि मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो भाई जिसको भी ग्रो कराना होगा चैनल को वो मेरे से संपर्क कर लेगा। क्योंकि भाई हम लोग इस पर एक ग्रुप बना रहे हैं जिससे मतलब आपके दो ही दिन में 1000 सब्सक्राइबर ये सब पूरे हो जाएंगे। तो जिसको भी चाहिए अगर, तो वो भी ऐसे नहीं, वो भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि मतलब हम उसको सपोर्ट करें वो हमें सपोर्ट ना करें, हम उसको सपोर्ट करें वो हमें सपोर्ट करें, ठीक भाई। तो यही है हमारा निंजा मतलब टेक्निकल निंजा। तो अगर आपको कराना हो, आपका ग्रो कराना हो, तो संपर्क कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए भाई बाय, जय हिंद, बाय बाय, टाटा गुड बाय।